वेलकम। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7, जिसका नाम है मेरी गुजरात यात्रा, को पढ़ेंगे और यह पेज नंबर 29 पर है। आइए शुरू करते हैं। पाठ 7, मेरी गुजरात यात्रा। गुजरात क्या है? हमारे देश का एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। यात्रा होता है जब आप घूमने जाते हो ट्रेन पे, यानी कि सफ़र को कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक बच्चा है जो गुजरात में गया है सफ़र करके, और उसकी कहानी बता रहा है, उसे वहाँ क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या क्या देखा उसने। तो आइए उसके साथ साथ हम भी देखते हैं, गुजरात के बारे में जानते हैं। अमित की आयु तो अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। यानी कि अमित नाम का एक लड़का है जो सिर्फ 10 साल का है और उसे सफ़र करने का बड़ा शौक है, बड़ा चाव है। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। यानी कि अमित के जो चाचा जी हैं वो गुजरात में रह रहे हैं, और जिस तरह आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां होती है, उसी तरह अमित की भी गर्मियों की छुट्टियां हुई। और घूमने के तरीके से उसके चाचा जी ने क्या किया, गर्मियों की छुट्टियों में उसे अपने पास बुला लिया। गुजरात में अमित ने जो कुछ देखा और जाना, उसे अपनी डायरी में इस प्रकार दर्ज किया, यानी कि लिखा। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले ऊपर देखो, लिखा है दिनांक, यानी कि 15 जून 2015। लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। यानी कि गुड़गांव कहां पर है और अहमदाबाद गुजरात की जगह है, वहां पहुंचे थे 11 घंटे की यात्रा करने, सफ़र करने के बाद। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था। ये कौन कह रहा है? अमित कह रहा है। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। कौन गांधी जी? महात्मा गांधी, जिनकी नोट पर भी फोटो है ना चरखा काटते हुए, तो वो कह रहा है कि वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आँखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वहीं भजन सुनने को मिला, जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया है। आगे जो भजन है वो ये है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान आने रे। इन लाइनों का मतलब ये है कि वही व्यक्ति सच्चा वैष्णव है जो दूसरों की पीड़ा या दुख को, दूसरों के दुख को समझता है और दूसरे के दुख को देखकर उसको उपकार करने के बाद भी उसमें घमंड नहीं आता, वही सच्चा वैष्णव है। और ये भजन कौन गाते हैं? नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध भजन है ये। आगे है, मैं भी खुद को रोक न पाया और अपने स्वर उसी में मिला दिए। चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता का है। देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। आगे है, तारीख दी हुई है 17 जून 2015, यानी कि 15 तारीख के बाद में, 2 दिन बाद का ये लिखा हुआ है। आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि यह भारत के 4 धामों में से एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा। यहीं सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे।
देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। स्त्री पुरुष सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया। नृत्य कहते हैं नाचने को। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। अब आगे है, तारीख है 19 जून 2015, यानी कि 17 के बाद 18 नहीं आई, 19। अब क्या लिखा हुआ है आइए पढ़ते हैं। गुजरात से अब घर लौट रहा हूँ। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। सोमनाथ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है पालीताना किसका प्रसिद्ध तीर्थ है, तो क्या आएगा जैनियों का। और सोमनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है, शिव जी के मंदिर के लिए। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियाँ अधिकतर कामदार लहंगे और ओढ़नी पहनती हैं। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। मुझे गुजरात में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गई। कौन सी? हिंदू मुसलमान पारसियोनम अहियाम तीर्थ सागर, प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, मात छे एक। धन्यवाद। आइए अब पाठ पूरा होने के बाद हमें इसके पीछे दिए गए अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहला है आइए शब्दों के अर्थ जाने। नंबर एक आयु, आयु होती है उम्र। नंबर दो पे है यात्रा यानी कि सफ़र। नंबर तीन है मौका, मौका होता है अवसर मिलना। नंबर चार है भ्रमण यानी कि घूमना। नंबर पाँच है दर्ज करना यानी कि लिखना, किसी चीज़ को हम अपनी डायरी पर या नोटबुक पर लिख लेते हैं उसको कहते हैं दर्ज करना। नंबर छः पे है जन, जन यानी कि जनता, लोग। नंबर सात पे है पीड़ या पीड़ा यानी कि दुख या तकलीफ। नंबर आठ पे है प्राई यानी कि दूसरों की, अपनी ना होकर दूसरों की। आगे है नौ नंबर पे है उपकार यानी कि भलाई करना। नंबर दस पे है अभिमान यानी कि घमंड। नंबर ग्यारह पे है स्वर यानी कि आवाज़। नंबर बारह पे है नृत्य करना यानी कि नाचना। नंबर तेरह पे है पुरुष यानी कि आदमी। और नंबर चौदह पे है स्त्रियां यानी कि औरतें। और नंबर पंद्रह पे छः आया है उसका मतलब है। नंबर 16 पे वेशभूषा यानी कि पहनावा।